सर आज क्योंकि कह सकते हैं कि बड़ा सेमिनार जो है वो किया जा रहा है और काफी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है या इन्वेस्ट पंजाब है उसको लेकर आज कई चीजों पर ध्यान लगी है, क्या खास चीजें जो है वो आज उसमें देखी गई? बेसिकली हम नॉर्थ इंडिया में हैं, नॉर्थ इंडिया में चूंकि ये सेमिनार हो रहा है तो फ्यूचर में जो भी रिगार्डिंग रिसाइकिलेशन या ग्रीन स्टील की बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आ रही हैं, तो उससे विचार हुआ है, डिमांड कितनी नॉर्थ इंडिया में या पूरे इंडिया में कितनी डिमांड ग्रो कर रही है उस पर विचार हुआ है, तो सभी लोगों ने डिस्कस किया है कि आगे फ्यूचर में इतनी भी डिमांड यहाँ रहेंगी इस नॉर्थ इंडिया में, और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं रिसाइकिल स्टील की वो तो मेनली जीएसटी को लेके है, उसमें प्रिफरेंस बहुत है नीचे लेवल से, उस पर डिस्कस हुआ है, डिमांड ग्रो करेगी तो स्टील में जो अदर आयरन स्टील्स है उससे कितनी परसेंटेज इंक्रीज यहाँ कर सकते हैं, कैसे वायबिलिटी, इस चीज़ों पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी डिमांड तो अच्छी है अदर स्टेट्स के मुकाबले। सर डिमांड जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी है, लेकिन कई दिक्कतें हैं या कई चैलेंजेस कह सकते हैं कि चाहे वो जीएसटी की बात हो चाहे वो सप्लाई की बात हो, आने वाले दिनों में किस तरह से आप लोगों का जो है वो प्लान किया जा रहा है कि अपडेशन को लेकर या टेक्नोलॉजीज को लेकर? एक तो उसमें टेक्नोलॉजी जो भी रीमेल्टिंग यूनिट्स हैं उनको लेटेस्ट करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि भाई इसमें लॉजिस्टिक सब्सिडी या पावर सब्सिडी कुछ इधर के अनाउंस की जाए ताकि यहाँ के जो स्टील प्लांट है वो ग्रो कर सकें, अदरवाइज तो स्टील तो बाहर से आना है, यहाँ तो हमने सिर्फ उसको मेल्ट करके और फिनिश प्रोडक्ट बनाना है रिफाइन करके, तो हमारा जो काम वो हम कर रहे हैं लेकिन जो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट करे। बिल्कुल, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड भी है और उसके साथ जैसे से आपने सरकारों से या गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स हैं वो भी काफी चीजें सहयोग करती हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो सुझाव दिए गए हैं कि सरकार इस तरह से मदद करे, चाहे वो लॉजिस्टिक की बात हो चाहे वो किसी भी। देखो जैसे हमारा माधव केयर जी लिमिटेड कंपनी का नाम है और ज्योति हमारा ब्रांड है, हमारे पांच प्रोडक्ट्स हैं उसमें टीएमटी है, जीपी कोयल्स है, एचआर कोयल्स है, जो बेसिकली इंडस्ट्री में भी काम आता है और रियल एस्टेट और इन्फ्रा में भी काम आता है। तो हमने नॉर्थ इंडिया के लिए सारे प्रोडक्ट दे दिए, पर स्टील दे दिया, पर टीएमटी दे दिया सिविल वर्क के लिए, स्ट्रक्चर के लिए पाइप एंड ट्यूब दे दिया, एचआर कोयल इंडस्ट्री के लिए दे दिया, तो सारे प्रोडक्ट हमने यहाँ डेवलप कर दिए हैं। अब यह है कि हमें इनको कंटिन्यूस करने के लिए या और ग्रोथ सेल की ग्रोथ लेने के लिए सबको सप्लाई देने के लिए हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, हम तैयार हैं, इन्वेस्ट हमने कर दिया है तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब उसको सर्वाइव करना, आगे बढ़ाना, मल्टीपल ग्रोथ लेके जाना, वो तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जैसे सर ने बताया कि ज्योति माधव के आर जी ग्रुप ने आज काफी चीजें हैं, जैसे सर ने बताया कि स्पेशलिटी काफी चीजों की है, कई जो हैं चीजें इनके प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर लगातार काम चल रहा है और कई लॉजिस्टिक चीजों से लेकर या जीएसटी जो भी चैलेंजेस हैं या दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर आज सुझाव जो है वो दिए गए हैं, और भी क्या क्या अपडेशन हो सकती है नॉर्थ इंडिया में, किस तरह से प्रोजेक्ट्स पर हालांकि इन्वेस्ट कर दिया गया है, क्या क्या और चीजें अपडेशन जो है वो होनी चाहिए, उस पर काफी गहनता से जो है वो चर्चा की गई।